किसान भाइयों, मेरा नाम प्रदीप पाठक है। मैं क्रिस्टल कंपनी की तरफ से आज ग्राम सूरजपुरा तहसील बदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में आया हूँ। यहाँ पे हमारे किसान भाई युवा किसान हैं राजेंद्र सिंह जी, जिनके यहाँ हमने नाइट्रोजन टिल्ट और पेनिस्ट्रो का डेमो लगाया था, एक टंकी का स्प्रे करवाया था इनके खेत में 5 अगस्त 2023 को। आज इनके खेत में आए हैं, जानते हैं उनसे उनका कितना प्रॉफिट मिला, क्या फ़ायदा इसका निकला। राम राम जी। राम राम। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और मैं गांव सूरजपुरा का रहने वाला हूं, तहसील बदेसर जिला चित्तौड़गढ़। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 95093600। आपने कौन सी दवाई? किसान भाइयों, मैंने क्रिस्टल कंपनी का टिल्ट और न्यूट्रोजन और पेनिट्रो, इन तीनों का स्प्रे अपने खेत में किया था। कितनी जगह में किया था? हमने एक टंकी का स्प्रे किया था डेमो के तौर पे, और लगभग ये एरिया आप देखिए मतलब 2 बसवा के आसपास हो गई। अच्छा, तो इसमें आपको क्या रिजल्ट मिला? इसमें हमको रिजल्ट देखने को मिला किसान भाइयों, जो हमने खरपतवार का स्प्रे किया था वो ज़्यादा स्प्रे होने के कारण ये फसल जो है बैठ गई थी किसान भाइयों। और इस दवाई का स्प्रे करने के बाद आप कंडीशन आपके सामने है कि ये हाइट एक समान हो गई है, मतलब पहले वाली फसल और ये पीछे वाली फसल दोनों एक हो गई है। और जहाँ पे और इसमें और क्या अंतर दिख रहा आप? अंतर तो किसान भाइयों, हम ये स्प्रे करने के बाद में जो फ्लावरिंग है वो अच्छी है, जहाँ स्प्रे नहीं किया है उसके मुकाबले यहाँ पर फूल जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि किसान भाइयों आप देख सकते हैं, इस पौधे में किसी भी दवाई का स्प्रे नहीं हुआ है, इसमें कोई दवाई नहीं डली है, इसमें आप फूल की संख्या देख सकते हैं। और जहाँ पे नाइट्रोजन टिल्ट और पेनिट्रो का स्प्रे हुआ वहाँ आप फूल देख सकते हैं, फूल गुच्छे में आ रहे हैं, फूल ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। इसके अलावा और क्या अंतर आपको समझ में आ रहा है? और किसान भाइयों, हमें ये भी देखने को मिला है कि जो स्प्रे करने के बाद में जो पौधे की जो फुटान है वो अच्छे तरीके से हो रही है, और जो फूल जो आ रहे हैं वो पौधे के बिल्कुल 2 या 3 एंगल छोड़ के ऊपर से चालू हो गए हैं। और आप किसान भाई देख सकते हैं, हमने ये एरिया छोड़ रखा था, ये साइड दिखाइए, ये एरिया छोड़ रखा था, यहाँ पे दवाई का स्प्रे नहीं हुआ था। ये फसल आप दोनों फसलों में डिफरेंट देख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का स्प्रे हुआ है, इस फसल में नाइट्रोजन का स्प्रे नहीं हुआ है। ये फसल आज छोटी दिख रही है, और ये फसल आप देख सकते हैं। कब किया था अपन ये डेमो? ये हमने 5 अगस्त 2023 को लगाया था, और लगभग आज 9 से 10 दिन हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट आते हैं उन पर आप विश्वास कर सकते हैं, और अपने खेतों में इस्तेमाल कीजिए, आपको अच्छा पैदावार देखने को मिलेगी, और आपके खेत की जो उपज है वो भी बढ़ेगी किसान भाई।